खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। देश के 8 राज्यों की 19 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। बड़ा अपडेट आपको इस वक्त बता रहे हैं, इसमें से गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के बीच करीबी मुकाबला है। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते 18 सीटों पर चुनाव रह गया था। बाद में चुनाव आयोग ने कर्नाटक की 4 सीटों, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में एक एक सीट पर चुनाव का ऐलान किया। जिन 19 सीटों के लिए मतदान हो रहा है उसमें से 4-4 आंध्र प्रदेश और गुजरात, 3 मध्य प्रदेश और राजस्थान की भी सीटें शामिल हैं। तो इस तरीके से मणिपुर में 4, सत्तारूढ़ गठबंधन के 9 विधायकों के इस्तीफे के बाद एन वीरेंद्र सिंह सरकार के खिलाफ विपक्षी दल कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग ने चुनाव को और ज़्यादा रोचक बना दिया। वहां पर यहाँ बीजेपी ने लेसिम्बा को खड़ा किया, वहीं कांग्रेस ने उम्मीदवार टी मंगी बाबू हैं। वहीं गुजरात में सत्तारूढ़ बीजेपी और कांग्रेस दोनों के पास ही अपने उम्मीदवारों को अपने दम पर जिताने के लिए पर्याप्त विधायक नहीं है। यहाँ बीजेपी ने 4 सीटों के लिए 3 उम्मीदवारों अभय भारद्वाज, रमीला बारा और नरहरी अमीन को खड़ा किया है, जबकि कांग्रेस ने शक्ति सिंह गोहिल और भरत सिंह सोलंकी को टिकट दिया। इसी तरह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी ने 2-2 उम्मीदवारों को खड़ा किया है। बीजेपी उम्मीदवारों में पूर्व कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी हैं। कांग्रेस से दिग्विजय सिंह और दलित नेता फूल सिंह बरिया को मैदान में उतारा गया है। राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी बीजेपी ने विधायक को तोड़ने के आरोप के बीच उन्हें अलग अलग होटलों में शिफ्ट किया था। 3 सीटों की लड़ाई में 4 उम्मीदवारों में से 2 कांग्रेस के और 2 बीजेपी के हैं। कांग्रेस ने केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी और बीजेपी ने राजेंद्र गहलोत और ओमकार सिंह लेखावत को नामित किया है। आंध्र प्रदेश से राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों का चुनाव होगा। विधानसभा में पर्याप्त संख्या रहने की वजह से सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस की 4 सीटों पर जीत हासिल करने के आसार हैं। 2014 में राज्य के बंटवारे के बाद पहली बार यहां राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। तो इस तरीके से राज्यसभा का ये पूरा गणित हम आपको बता रहे हैं, किसकी कितनी कितनी सीटें हैं। एनडीए 91, यूपीए 61, गैर एनडीए गैर यूपीए 68। तो ये कुल जो सांसद हैं वो है 245, एनडीए के 91, यूपीए के 61 और गैर एनडीए गैर यूपीए 68, यानी कि 68 हैं। तो ये राज्यसभा का जो मौजूदा गणित है वो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो 19 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान की प्रक्रिया सुबह 9 बजे शुरू हो गई है, लगातार वोटिंग प्रक्रिया चल रही है। लेकिन कोरोना का संकट भी है, लेकिन कोरोना संकट के बीच में तमाम चीज़ों का ख्याल रखना है और इसी तरह से वोटिंग प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। तो विधायकों को चुनाव के दौरान प्राथमिकता के आधार पर वोट देना होगा। इसके अलावा विधायकों को वोटिंग के दौरान पहली और दूसरी पसंद बताना पड़ता है। ये वोटिंग जो प्रक्रिया है वो हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से राज्यसभा चुनाव में वोटिंग प्रक्रिया होती है। पहली पसंद के वोट जिससे ज्यादा मिलेंगे वही जीता हुआ उम्मीदवार माना जाता है। इसके अलावा ये जो गणित आप देखिए, जो कि आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर बार बार आ रहा है, राज्यसभा का ये मौजूदा गणित है, किस पार्टी को के पास कितने सीटें हैं, कितने सांसद हैं। तो ये पूरा का पूरा गणित है जिसमें 245 सांसदों में एनडीए के पास 91, यूपीए के पास 61 और गैर एनडीए और गैर यूपीए। तो ये कुल मिलाकर आप देखिए जो आंकड़ा है वो किस तरीके से बैठता है। राज्यसभा चुनाव की और अगर आपको मोटी मोटी बातें बताएं, विधायक सभी सीटों के लिए वोट यहां पर नहीं करते हैं। विधायकों को चुनाव के दौरान प्राथमिकता के आधार पर अपना वोट देना होता है अपने पसंदीदा प्रत्याशी को। विधायकों को वोटिंग के दौरान पहली और दूसरी पसंद बताना ज़रूर होता है, अनिवार्य होता है। पहली पसंद कौन है, दूसरी पसंद कौन है। पहली पसंद के वोट जिससे ज़्यादा मिलेंगे जाहिर वही जीता हुआ माना जाता है, उसकी जीत सुनिश्चित की जाती है। तो इस तरह से पूरा का पूरा जो गणित है राज्यसभा का आप देखिए, राज्यसभा में एनडीए के पास 91
तो दो अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता इस वक्त मेरे साथ तो जुड़ चुके हैं। जयपुर से अरविंद मेरे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि राजस्थान में भी मुकाबला बहुत दिलचस्प है। प्रशांत मध्य प्रदेश से मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, और मध्य प्रदेश में भी हम देख रहे हैं कि लगातार थोड़ी देर पहले हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा भी रहे थे कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में राज्य विधानसभा में राज्यसभा के लिए अपना वोट डाला और दो सीटें जीतने का दावा नरोत्तम मिश्रा ने भी किया। सबसे पहले मैं प्रशांत आप ही के पास आता हूं, क्या अपडेट है फिलहाल? देखिए फिलहाल जो तीन सीटों के लिए यहाँ पे मतदान हो रहा है राज्यसभा के लिए, तो अभी फिलहाल मतदान जारी है और दोनों ही दल के विधायक लगातार वहाँ पे पहुंच रहे हैं और अपने मतों का उपयोग कर रहे हैं। शिवराज सिंह जी हमने पहले भी तस्वीरों के माध्यम से दिखाई कि उन्होंने अपना मतदान कर लिया, वही कमलनाथ भी मतदान लगभग कर चुके हैं। लेकिन दूसरी सबसे अधिक दिलचस्प बात यह है कि जिन तीन सीटों के लिए यहाँ पे दोनों ही दल अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं, तो मेन जो है आंकड़ों के आधार पर अगर तय करें तो दोनों ही दलों के एक एक राज्यसभा की सीटें निश्चित मानी जाती है। जो मेन लड़ाई है वो तीसरी सीट के लिए लड़ाई है, जो बीजेपी के सुमेर सिंह सोलंकी हैं और कांग्रेस के फूल सिंह बरैया हैं। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे डिनर पॉलिटिक्स के जरिए बीजेपी ने अपनी ताकत दिखाई थी, जो उनके पास 107 उनके विधायक थे और अगर निर्दलीय विधायकों की माने तो 112 है, उस आधार पर अगर 52 अगर वोटों की जरूरत है तो उस हिसाब से बीजेपी की दूसरी सीट लगभग तय मानी जाएगी। लेकिन हमें फिर भी 5 बजे का इंतजार करना पड़ेगा। जो शंकर कुछ समय पहले के हालात ऐसे थे कि जहां पर बीजेपी को एक सीट मिलती दिख रही थी और जब कांग्रेस की सरकार थी दो सीटें उनका मिलना तय था, लेकिन देखिए सियासी उलट फिर कैसे हुआ कि आज कांग्रेस को भी कांग्रेस की दूसरी सीट एक सीट बचाने के लिए काफी मुश्किल हो रहा था। बीजेपी कहीं ना कहीं एक तगड़े से लॉबिंग जरूर कर रही होगी कि उनकी जो तीसरी सीट है वो भी उनको न मिले, हालांकि वो काफी मुश्किल काम है। लेकिन फिलहाल जो बीजेपी है दो सीट लगभग तय माना जा रहा है और उमाशंकर गुप्त और बंसीलाल गुर्जर को मतगणना के स्थल पर उनको जिम्मेदारी दी गई है, जबकि वोटिंग के लिए भी अरविंद सिंह भदौरिया और गौतम जी को और बिश्नोई को वहां पे शामिल किया गया। फिलहाल वोटिंग अभी जारी है। लेकिन दूसरी ओर बात करें तो कांग्रेस के एक विधायक जो कोरोना पॉजिटिव थे कुणाल चौधरी, वो हालांकि हॉस्पिटल में एडमिट नहीं थे, जिनको पीपी किट और तमाम सुरक्षा मापदंड को अपनाते हुए वोट करने का अधिकार दिया गया है, तो वो भी अपना वोट डालने के लिए यहाँ पे जरूर आएंगे। फिलहाल ये काफी दिलचस्प मुकाबला है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, अभी 5 बजे का इंतजार करना पड़ेगा। जी शंकर, जिस तरह से प्रशांत आप बता रहे दोनों दलों के विधायकों की संख्या को अगर हम देखें तो दो सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, एक सीट कांग्रेस, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा ने भी थोड़ी देर पहले ये दावा किया कि दो सीटें वो जीत रहे हैं पूरी तरह से। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से शुरू पे ये कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी के तकरीबन दो सीटें पक्की हैं, लेकिन कांग्रेस को इस बात का जरूर इल्म था कि हो सकता है कि क्रॉस वोटिंग के जरिए जिस तरह से अपने 20 विधायकों के साथ ज्योतिरादित्य सिंह सिंधिया ने बीजेपी में प्रवेश किया था और शुरू से ये बात स्पष्ट थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा के प्रमुख कैंडिडेट होंगे। लेकिन दूसरे कैंडिडेट की बात करें तो सुमीर सोलंकी जो बड़वानी में पहले प्रोफेसर थे और आरएसएस के कोटे से आते हैं, तो बीजेपी कांग्रेस को इस बात की हो सकता है कि सोच रहे होंगे कि हो सकता है क्रॉस वोटिंग के जरिए उनकी जो दूसरी सीट अभी नहीं मिलती नजर आ रही है वो कहीं ना कहीं उनके खेमे में आ जाए। इसलिए दोनों दल आशंकित थे और एक तरह से कहें तो पॉलिटिकल क्वारंटीन के जरिए अपने अपने विधायकों को सुरक्षित और महफूज जगह पर रखे थे। बीजेपी लगातार किसी न किसी पार्टी मीटिंग के बहाने या किसी डिनर के बहाने पर अपने बीजेपी विधायकों को शक्ति प्रदर्शन के तौर पर उनको दिखाती रही है, जबकि कांग्रेस के हालात ऐसे नहीं थे। कांग्रेस इस पसोपेश की स्थिति में थी कि जो उनके 92 विधायक हैं वो भी रहेंगे नहीं, और जिस तरह से कमलनाथ के निवास पर जब मीटिंग आयोजित की गई थी तमाम विधायकों को तो उसमें भी 87 विधायक ही पहुंचे थे। हालांकि कांग्रेस ने इस बात को सिरे से इंकार कर दिया कि वो विधायक किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए हैं चूंकि कोरोना था, लेकिन वो सारे विधायक उनके साथ हैं, यानी इसके अलावा निर्दलीय विधायक भी उनके साथ ही होंगे। जिस तरह से इसमें दो निर्दलीय विधायक भी कांग्रेस के खेमे में पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि वो बीजेपी को समर्थन देंगे या कांग्रेस को समर्थन देंगे। हालांकि दो बसपा और एक सपा और दो निर्दलीय विधायकों ने साफ तौर से डिनर पे यह ऐलान कर दिया था कि उनका जो समर्थन है बीजेपी को होगा, और जिस तरह से बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं का बॉडी लैंग्वेज था उनका स्पष्ट दिख रहा था कि बीजेपी दो सीट जीतने के लिए पूरी तरह से अस्वस्थ है। फिलहाल चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। प्रशांत, अरविंद का रुख कर लेते हैं, जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, राजस्थान में भी राज्यसभा की तीन सीटों के लिए मतदान और चार उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं, इसीलिए मुकाबला बहुत दिलचस्प है। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने दो दो उम्मीदवार उतारे हैं,
क्या अपडेट है फिलहाल? जी बिल्कुल, देखिए शंकर, जो राजस्थान का जो चुनाव है काफी ज्यादा रोचक हुआ, क्योंकि राजस्थान के चुनाव में लगातार आरोप लगते रहे कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से गुजरात और जिस तरह से मध्य प्रदेश, ये जो राज्य हैं, वहां पर जो कुछ हुआ राज्यसभा चुनाव या उससे पहले मध्य प्रदेश में जब सरकार जो कांग्रेस की थी वो टूटी और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार बनी, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में ये डर था कि उनके विधायकों के साथ भी ऐसा कुछ ना हो जाए जैसा गुजरात में हुआ है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव से पहले करीब 8 विधायकों ने वहां इस्तीफे दे दिए और गुजरात के जो विधायक उन्होंने राजस्थान की शरण लेनी पड़ी। तो ऐसी स्थिति में भारत जो कांग्रेस पार्टी है वो पहले से ही यहाँ एक्टिव हुई और कांग्रेस पार्टी अब करीब 8 दिन से यहाँ पर अपने जो विधायक थे उनको रिसोर्ट में उनको रखा, सभी विधायकों को एकजुट किया, सभी विधायकों के साथ में जो निर्दलीय विधायक थे उनको यहाँ पर एकजुट किया, निर्दलीय के साथ में बीटीपी और माकपा के जो विधायक थे उनको अपने साथ लाने का एक जो काम है वो सबसे पहले यहाँ पर किया गया, ताकि किसी भी तरह की तोड़फोड़ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से नहीं की जा सके। और उसी का एक नतीजा है कि आज करीब 124 जो विधायक हैं वो यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी है उसको समर्थन ना करके और कांग्रेस पार्टी को समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि देखिए 124 के आसपास जो विधायक है उनको कांग्रेस का समर्थन है, करीब 75 विधायकों को यहाँ पर समर्थन है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी में 72 जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी के, जबकि 3 जो वोट है वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है उनके जो वोट्स हैं वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को मिलेंगे, जबकि 124 जो वोट हैं वो यहाँ पर मिलेंगे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को। हालांकि जो एक वोट जो निर्णायक वोट होता है वो होता है विधानसभा स्पीकर का, तो उसको वे प्रयोग करते हैं नहीं करते हैं वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि मामला किस तरह से आगे पहुंचता है, किस तरह से मतगणना होती है, उसके बाद में जो विधानसभा अध्यक्ष होता है उनके वोट की अहमियत जो होती है वो उस समय यहाँ पर होती है। तो ऐसी स्थिति में 124 वोट जो है करीब वो यहाँ पर डलते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के खेमे में। तो ऐसे में जो कांग्रेस के दोनों ही उम्मीदवार है केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी, ये दोनों ही प्रत्याशी यहाँ पर जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी अपनी पहली प्रायोरिटी राजेंद्र गहलोत को दे रही है। ऐसी स्थिति में राजेंद्र गहलोत भी यहाँ पर जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए जब राज्यसभा चुनाव का टिकट वितरण हुआ उससे पहले लगातार ये डिमांड की जा रही थी भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि एक ही सीट में यहाँ पर जीत रहे हैं, तो ऐसे में स्टेट कोटा जो है यानी राज्य का जो कोई भी जो बड़ा नेता है उसको यहाँ पर टिकट दी जाए, तो वो ही किया यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी की ओर से राजेंद्र गहलोत को यहाँ चुनाव में प्रत्याशी बनाया गया। जबकि यदि दूसरी बात करें केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस से राष्ट्रीय चेहरा है, राष्ट्रीय नेतृत्व ने उन्हें नेशनल कोटा से यहाँ पर भेजा है, जबकि स्टेट कोटा से नीरज डांगी को यहाँ चुनाव में प्रत्याशी बनाया गया। पहले जब नीरज डांगी को यहाँ राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया गया तो एक बार विरोध का जो स्वर है वो देखने को मिला, कुछ लोगों ने राहुल गांधी तक इस चीज की शिकायत की और उसके बाद में जो भारतीय जनता पार्टी है वो कहीं ना कहीं एक्टिव हुई। भारतीय जनता पार्टी ने सोचा यदि कांग्रेस में टूट होती है तो क्यों ना हम इसका फायदा उठाएं, और ऐसी स्थिति में ओंकार सिंह लखावत को चुनाव के जो नामांकन था नामांकन के एन वक्त पहले उनको चुनाव मैदान में उतारा गया और ये कोशिश की गई कि किसी भी तरह से जो कांग्रेस के जो असंतुष्ट विधायक है उनको यहाँ पर ओंकार सिंह लखावत को समर्थन दिया गया, लेकिन आज वो स्थिति नजर नहीं आ रही है और दोनों जो सीट है वो कांग्रेस को जाती हुई नजर आ रही है, जबकि एक। चलिए ये लौटेंगे और अपडेट के लिए आपके पास सरविंद, बहुत आपने अच्छी बात बताई। लेकिन भार्गव पारिक जो रेजिडेंट एडिटर है गुजरात से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। भार्गव, अगर आपको मेरी आवाज मिल पा रही है तो गुजरात में भी जो मुकाबला है बहुत दिलचस्प है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का गृह राज्य है ये और निगाहें सबकी इस पर टिकी हुई हैं। दोनों ही पार्टियों की अगर मैं बात करूं, दोनों ही पार्टियों के पास क्या अपनी बदौलत अपने अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए विधानसभा में क्या पर्याप्त संख्या बल है जो दावे किए जा रहे हैं? देखिए ये पर्याप्त संख्या बल यहाँ पे नहीं था, तो सबसे पहले बीजेपी की यहाँ पे ये जो चार में से 3 पहले सीट थी उसके अंदर विधायक बल के आधार पे दो सीट पे कांग्रेस जीते वैसे आसान थे और 2 सीट पे बीजेपी जीते वैसे आसान थे, लेकिन जैसे 8 कांग्रेस के विधायकों ने जब अपना इस्तीफा दिया उसके बाद बीटीपी के 2 वोट और 1 एनसीपी का वोट जो है उसके ऊपर पूरी स्थिति का निर्णय आधार रहा है। बीजेपी को जो भारतीय ट्राइबल पार्टी है वो उसने पिछली बार कांग्रेस को वोट दिया था, इस बार असमंजस में रखा हुआ था,
लेकिन अभी अभी जो सूत्रों से जानकारी मिली है तो कांग्रेस ने बीजेपी को मना लिया है, लेकिन एनसीपी का एक वोट जो है वो बीजेपी को जाने की संभावना है। जो कांदल जाडेजा है वो एनसीपी के एकमात्र विधायक है, लेकिन वो विधायक पहले से ही बीजेपी के समर्थक रहे हैं, तो वो पिछले राज्यसभा के चुनाव में भी उन्होंने बीजेपी को वोट दिया था। तो बीजेपी की संख्या जो 103 और कांदल जाडेजा का एक वोट मिलता है तो 104 हो जाती है, तो उनके तीन विधायक जो खड़े रखे हैं वो उनके लिए जीतना आसान हो जाएगा। और यहाँ पे जो कांग्रेस के दो विधायक है शक्ति सिंह गोहिल और भरत सिंह सोलंकी, जिनमें से भरत सिंह सोलंकी को जीतना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो हाई कमांड ने शक्ति सिंह गोहिल को दिया हुआ है, तो और सेकंड प्रेफरेंस जो है वो भरत सिंह सोलंकी को दिया हुआ है। भरत सिंह सोलंकी ने बीजेपी के दो एमएलए को संपर्क करने की कोशिश की थी और दो में से एक वोट लेने की उनको मिलने की संभावना थी, लेकिन इस बात का जब बीजेपी में पता चल गया तो बीजेपी ने आज सुबह ही उनको वही किशोर सिंह जो एमएलए थे भरत सिंह के नजदीकी माने जाते थे, वो कांग्रेस से बीजेपी में गए हुए थे, तो उनको वापस उनकी ओर खींच लिया है। तो उसके चलते ये कश्मकश बनी रही है। 4 बजे इन वोटिंग खत्म होने के बाद काउंटिंग शुरू होगा और उसके बाद इस मामले का पता चलेगा कि बीजेपी 3 सीट पे जीत रही है या नहीं, क्योंकि पूरी ये जीत के लिए पूरी एड़ी चोटी का जोर बीजेपी ने लगाया और कांग्रेस के 8 विधायकों का इस्तीफा दिया गया है, जिसके चलते जो वोटिंग का कैलकुलेशन है वो 34.3 पे आपके अटका हुआ है और दोनों की अभी एक एक वोट की दोनों पार्टी को जरूरत है। लगातार जो वोटिंग प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है अलग अलग जगहों से। हमारे जो संवाददाता हैं वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सीधे रुख कर लेते हैं प्रशांत का, मध्य प्रदेश का जो समीकरण है, प्रशांत थोड़ा सा समझाइए, क्योंकि बीजेपी तो 2 सीटें जीतने का दावा यहां पर कर रही है, अभी क्या अपडेट है आपके पास और वोटिंग प्रक्रिया से पहले किस तरीके की तैयारियां प्रशांत की गई थी ये भी थोड़ा सा बताइए, क्योंकि ये दिलचस्प है, क्योंकि कोरोना है, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग है और जिस तरह से विधायक वहां पर आ रहे हैं उनको किस तरह से विधानसभा के अंदर पहुंचाना है, वहां पर कहां पर वो बैठेंगे, ये तमाम जो प्रक्रिया है वो भी वोटिंग से पहले पहले अपनानी बहुत जरूरी है, तो ये भी एक चैलेंजिंग है कम से कम। निश्चित तौर पर शंकर, जिस तरह से कांग्रेस के एक विधायक कुणाल चौधरी जो पहले से ही कोरोना पॉजिटिव हैं उनको लेकर बड़ा संशय है कि वो वोट डालेंगे नहीं डालेंगे, लेकिन जिस तरह से वोटों का समीकरण है कि एक एक वोट काफी कीमती है और कांग्रेस के लिए तो खासकर, तो निश्चित तौर पर कुणाल चौधरी ने ये बात स्पष्ट कर दिया था कि चाहे जो हालात हो वो वोट जरूर डालेंगे, वो प्रोटोकॉल के नियम के तहत ये उनका राइट्स भी बनता है और इसको लेकर भी तमाम ऊहापोह की स्थिति, मगर अंतिम दौर पर जब प्रशासन ने स्वास्थ्य अमले ने ये तमाम उनको दे दिए तो इसके लिए वो पीपी किट वगैरह और जो भी सोशल डिस्टेंसिंग या जो भी दूसरे मापदंड है सुरक्षा के उसको लेकर वो वोट डालने का उनको पूरी तरह से अधिकार दे दिया गया है। लेकिन फिलहाल अगर हम मौके की सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो ये विधानसभा के सेंट्रल हॉल पे पूरी तरह से राज्यसभा का जो मतदान है वो प्रक्रिया शुरू है, हालांकि अंदर किसी भी तरह से मीडिया के जाने की मनाही नहीं है, वहां पे अलाउ नहीं है, तो अंदर से पूरी बातें थोड़ी थोड़ी देर से ही छन के बाहर आती है। लेकिन अगर एक समीकरण की बात करें तो जो 230 विधानसभा सीटों में जो 24 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था उसके बाद ये पूरा गणित 206 पर टिकता है, जिसपे 52 विधायकों का अगर एक राज्यसभा सीट जीतना है तो 52 विधायकों का होना जरूरी है। वहीं संख्या बल के आधार पर बीजेपी की बात करें तो 107 विधायक उनके थे, लेकिन जो 5 निर्दलीय जिसमें सपा और बसपा भी शामिल है उन्होंने चूंकि बीजेपी को ऐलान कर दिया था मतदान के लिए, स्पष्ट है बीजेपी की कहीं दूसरी सीट की जीत पक्की है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस के पास जो 92 विधायक है उसमें से 87 विधायक ही उनके में पहुंचे थे, जिसको लेकर कांग्रेस काफी चिंता भी था, लेकिन अभी फिलहाल ये नहीं स्पष्ट हो पाया। हालांकि कांग्रेस का जरूर ये दावा था कि उनके पूरे विधायक के अलावा निर्दलीय विधायक भी उनके साथ शामिल होंगे, लेकिन उसका मामला ना के बराबर है। लेकिन फिलहाल दिलचस्प आंकड़े हैं और अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की सुरक्षा के लिए बात करें कि जिस तरह से कोरोना काल में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है और इस बीच में वहां पे आने जाने वालों को बकायदा गेट के पास स्क्रीनिंग की जाती है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, इसके अलावा सैनिटाइज किया जाता है और भी तमाम व्यवस्थाएं हैं जो एक कोरोना से बचने के लिए तमाम जो सुरक्षा के उपाय किए जाने चाहिए। वहां पे अंदर की हमने एक तस्वीर भी दी थी जिसमें स्पष्ट रूप से
दिख रहा था कि बीजेपी विधायक, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी काफी दूर दूर बैठे थे। तो निश्चित तौर पर हर विधायक और मंत्री को इस बात के अच्छे से मालूमात है कि कोरोना से बचने के लिए किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की जाए। फिलहाल तमाम प्रशासनिक अमला और पुलिस स्वास्थ्य महकमे के लोग भी वहाँ पे हैं कि बिल्कुल ये व्यवस्थाएं जरूरी भी है प्रशांत, क्योंकि ये तमाम चीजें करनी जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना है और ये भी एक चुनौती है, इस बीच में चुनाव को भी संपन्न कराना है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत आपका, भार्गव पारिक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम अपडेट्स के लिए। आगे भी आप लोगों के पास हम आते रहेंगे तमाम अपडेट्स के लिए।